Hey guys, welcome back to my channel. My name is Saurabh Sharma और आप देख रहे हैं Trader Saurabh Sharma YouTube channel. तो guys, आज हम जा रहे हैं नौराधार की ओर. तो अभी हम जाएंगे नौराधार देखते हैं हम कितने बजे तक पहुंचते हैं. अभी थोड़ी देर में निकलने वाले हैं. चलो चलते हैं. पहले हम गाड़ी से जाएंगे नौराधार की ओर, और नौराधार से 18 किलोमीटर पैदल है. तो गाइज चलो चलते हैं. तो गाइज गाड़ी में बैठ चुके हैं और भगवान का नाम लेके निकल चुके हैं. ये Sip your chai. You got nothing to hide. Yeah, your future's so bright. So just smile like there's no one watching. Early morning on a Saturday. Wake up, time to get it started. No one's gonna get in your way. No one's gonna. Guys, अभी हम नौराधार पहुंच गए हैं. अभी अंधेरा हो चुका है और कुछ 12-1 बजे हैं और सारे संगत सो चुकी है. हाय हाय. देख सकते हो आप. हेलो हेलो गाइस. तो गाइस नौराधार से थोड़ी ऊपर आ चुके हैं हम, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक पेड पार्किंग का बोर्ड है, और यहाँ पे आप पेड पार्किंग कर सकते हो. 200 रुपये की पेड पार्किंग है. यहाँ हमने नेगोशिएट करा के एक दिन के लिए 100 रुपये की करी है. गाइस हम कुछ ऐसे रेडी हो चुके हैं. हमारे दोस्त लोग ये है, अभी 5 लोग ये है जो कभी नहीं है व्लॉग में आने के लिए. अभी ट्रैकिंग का रास्ता स्टार्ट हो चुका है और हमारे साथ ये लोग हैं. कुछ सबसे इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ मैं. तो गाइस ये है अपना भाई, और ये सारे अपने भाई है. वैसे ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुकी है. तो गाइस यहाँ पे हम अभी चाय पीने रुके हैं थोड़ी देर के लिए, देखते हैं क्या सीन बनता है. तो गाइस चाय आ चुकी है हमारी, और सब नजारे ले रहे हैं. बहुत बढ़िया चाय है लॉन्ग मार के. तो गाइस चाय पी के निकल चुके हैं, और अभी देखते हैं कैसे क्या, कहाँ से हम जाते हैं आपको भी बताते हैं पूरा. तो गाइस यहाँ से कुछ ऐसा रास्ता है, और हम रास्ते के ऊपर चलते हुए देखिए घर कितने अच्छे हैं यहाँ पे, और व्यू आप देख सकते हैं कैसा दिख रहा है. ऐसा रास्ता है अभी, और बहुत ही बुरे हाल होते हुए अभी तो हम 1 किलोमीटर भी नहीं आए. यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम लगा है, तो रास्ते बहुत ही खतरनाक है, और हमारे लोग आ रहे हैं ऊपर को. हाय. यहाँ पे सड़क बन रही है, और आप देख सकते हो कुछ ऐसा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम लगा है, और हमारा एक बंदा इंजर्ड हो गया है. तो गाइस बहुत ही बेहतरीन माहौल. तो गाइस अभी अच्छा व्यू दिख रहा है नीचे को, और हमारे सारे साथी आते हुए. रास्ता देखिए गाइस कैसा है. अभी नई नया रोड बन रहा है यहाँ पे, गाड़ी आनी तो अभी इम्पॉसिबल है, बट लोगों का आना जाना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है यहाँ पे. बट लोग आ सकते हैं जा सकते हैं, इतना कोई इश्यू नहीं है. तो गाइस ट्रैकिंग पे जाते हुए हम, तो चलो चलते हैं. और चल रही है अभी. आओ गाइस चलो चलते हैं. तो गाइस यहाँ से कुछ ऐसा रास्ता है, और हमारे भाई लोग सारे चलते हुए. अभी तो गाइस कुछ ऐसा रास्ता है, हमें पीने के लिए पानी मिल चुका है, और यहाँ से हम पानी पी रहे हैं. पहाड़ों का मजा गाइस. तो गाइस अभी हम 2-3 किलोमीटर आ चुके हैं ऊपर, और अभी थोड़ा रास्ता और है. तो गाइस कुछ ऐसा रास्ता है. जय बोले. तो गाइस भोलेनाथ का नाम लेके हम 5 किलोमीटर आ चुके हैं, और अपने साथ संगी भी पीछे से चले आ रहे हैं. तो गाइस थोड़ा सीधा ही रास्ता है, और इतना टफ रास्ता नहीं है. थोड़ी देर बाद देखते हैं कैसा टफ रास्ता होता है. तो गाइस अभी 6 किलोमीटर ही आए हैं, और सारे थक चुके हैं. देखिए गाइस अभी 10 किलोमीटर और बाकी है. तो गाइस आप बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ. तो चलो चलते हैं. तो गाइस देखिए एक
एक पेड़ ने पूरे पत्थर को अटका के रखा है। गुफा में जा रहे हैं। तो गाइस ये देखिए गुफा, इधर तो सारा ही दूसरा ही सिस्टम है, सारा ही मैगी मूगी बना सकते हो। तो गाइस 7 किलोमीटर आ चुके हैं ऊपर, और यहाँ पे कुछ ऐसे नजारे लग रहे हैं। कोई ऐसी रिव्यू दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा रास्ता है। अभी तो ज्यादा हार्ड रास्ता नहीं आया है। हर हर महादेव। और यहाँ बंदे थक चुके हैं सारे। तो गाइस फर्स्ट टेम्पल पहुंच चुके हैं, देखिए यहाँ का कुछ ऐसा व्यू है। तो गाइस यहाँ पे हमने फोटो शूट कर लिया है अभी, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन जगह। तो गाइस मैगी खाने का टाइम हो चुका है। बंदो जय भोले। तो गाइस यहाँ से निकल चुके हैं हम, अब दूसरी लेवल रह गई है। एक स्टार्ट हो गया सेकंड लेवल के लिए, तो हम सेकंड लेवल में थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। 6 किलोमीटर बाद दूसरा मंदिर है। तो गाइस यहाँ पे बंदे सो गए, लिटरली लिट गए हैं देख सकते हो आप। और बहुत ही भोलेनाथ की कृपा से हम भी पहुंच जाएंगे आज चूड़दार। तो बहुत ही नज़ारा आ रहा है यहाँ पे। तो गाइस चलो चलते हैं, कंटिन्यू रखते हैं। तो गाइस क्या हाल है आपके? तो गाइस अभी हम चल रहे हैं ट्रैक पे, और थोड़ा रेस्ट करने का मन करा था, थोड़ी देर रेस्ट कर रहे थे। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो गाइस ट्रैकिंग में अभी फुल मजे आ रहे हैं, और यहाँ पे हमारे साथी संगी सब थके हुए हैं। सबको आप देख सकते हो, सबकी शक्लें देखो भाई देखो। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। तो गाइस चलते चलते अभी सेकंड लेवल को 1-2 किलोमीटर बचा है, और बर्फ दिखना स्टार्ट हो गई है गाइस। और मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ बर्फ। तो गाइस आप बैक कैम देखो, गाइस यहाँ पे बर्फ दिख रही है अभी, और अभी पता नहीं कब तक हम बर्फ में पहुँचेंगे। तो गाइस बने रही है व्लॉग में। तो गाइस सेकंड लेवल पे पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे सेकंड मंदिर में पहुंच चुके हैं हम। अभी से यहाँ से आगे 6 किलोमीटर। तो गाइस आप देख सकते हो अभी हम पहुंच चुके हैं, और अपने साथी संगी सब बैठे हुए हैं, सबकी हालत खराब हो चुकी है अभी तक। अभी 1-6 किलोमीटर बाकी बचा है, और गाइस यहाँ तक पहुंच चुके हैं। सेकंड लेवल भी कम्प्लीट हो चुकी है। ऊपर पार रुकेंगे, उधर उधर शूटिंग करेंगे। तो गाइस यहाँ पे जो व्यू आ रहा है भाई, दिल खुश हो गया। अभी तो आप थोड़े ऊपर और जा रहे हैं, और व्यू कुछ इतना बेहतरीन आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे, बहुत ही अच्छा। दिस इज हेवन। अभी हम स्वर्ग में सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस। और गाइस देखिए वहाँ बर्फ गिरी है, स्नो अभी तक ऐसी है वहाँ पे। 1-2% बची है। ये मेरा शूज फट चुका है, कृपया करके आप भी जब ऊपर आए फेविक्विक जरूर अपने साथ लाएं, सिलने का कुछ सामान है। शंभो शिव महादेवा ओई बाबा। तो गाइस हम स्वर्ग में पहुंच चुके हैं। तो गाइस यहां से आप देख सकते हो व्यू बहुत ही खतरनाक। हर महादेव, हर हर महादेव। इस बहुत ही मस्त व्यू। अभी हम तो गाइस अभी हम 12 किलोमीटर ही आए हैं, अभी 6 किलोमीटर और बचा है, और यहाँ पे फुल नज़ारे आ रहे हैं भोलेनाथ की नगरी में आके। और गाइस आप कनेक्टेड रहे हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ से कुछ ऐसा रास्ता है, अभी तो बहुत ही सिंपल रास्ता है। तो गाइस चल रहे हैं, अभी इतना कुछ हार्ड रास्ता नहीं है, हमारे लिए तो इतना हार्ड नहीं था। बहुत ही मज़े से हमने कंप्लीट कर लिया है, और अभी सिर्फ 3-5 किलोमीटर बचा है गाइस अभी। और अभी हम चले हुए हैं सारे दोस्त लोग भोलेनाथ का नाम लेके।
बर्फ पड़ी है बहुत ही ज्यादा। अभी तो हम ऊपर जा रहे हैं, अभी 3-4 किलोमीटर रहा है और बर्फ से ढके हुए पहाड़, बर्फ से ढके हुए पहाड़। और गाइस ऊपर दिख रहा है महादेव जी की मूर्ति दिख रही है, छोटी सी, देख सकते हो आप। जय भोले बाबा। 150 रुपए। ओह यहाँ से तो गाइस यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बर्फ, जैसे जैसे हम नजदीक आ रहे हैं बर्फ भी बढ़ रही है। बहुत ही बेहतरीन नजारा देखने को मिल रहा है गाइस। वो बर्फ बहुत पड़ी है बट यहाँ पे ज़्यादा भी ठंडा नहीं लग रही है अभी, और बर्फ बहुत ही बेहतरीन। मैं आपको दिखाता हूँ बड़े प्यार से। वो तो गाइस 12 किलोमीटर हम आ चुके हैं, डिस्टेंस आप देख सकते हैं, अब सिर्फ 5 या 6 किलोमीटर रह गया है। तो गाइस बहुत ही मस्त ट्रैक है और आप भी आ सकते हो यहाँ पे, बहुत ही ईजी ट्रैक है, बर्फ वाला आइस वाटर, बहुत ही अच्छा व्यू और नजारा। जय बोले आगे कर दे, क्या फोन है। तो गाइस यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन नजारा, और यहाँ पे स्टोन से ओम लिखा है जो बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, और आप देख सकते हैं व्यू। और वहाँ पार है भोलेनाथ जी के पास, अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे आपको दिख रहा होगा, चोटी पे अभी पहुँचने वाले हैं हम। तो एक बार सब अपने कमेंट में जय भोलेनाथ लिख दीजिए। तो गाइस यहाँ पे अभी बहुत ही बेहतरीन हवाएं चल चुकी है और बहुत ही अच्छा मौसम और बहुत ही अच्छा व्यू। तो गाइस अभी बहुत ही ऊंची वाली चढ़ाई आ चुकी है, बहुत ही ऊंची चढ़ाई आ चुकी है। तो गाइस देखिए अब पूरा पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, अब खड़ी चढ़ाई है ऊपर को, अब देख सकते हैं। और हमारी डेस्टिनेशन ये है, भोलेनाथ जी हमें बुला रहे हैं जल्दी से, अभी पथरीला रास्ता, गाइस बहुत ही खतरनाक रास्ता, बहुत ही खड़ी चढ़ाई आ चुकी है। हम भी पत्थरों से सहारा ले लेके चल रहे हैं भाई, चक्के किधर से। अभी गाइस चढ़ाई देख सकते हो आप, बहुत ही ऊंची, तो गाइस ये चढ़ाई बहुत ही खतरनाक है, हम भी बहुत ही खड़ी चढ़ाई है और सबकी ठस हो चुकी है, और हम अभी भी चढ़ने की तैयारी में लगे हुए हैं, और बहुत ही इधर से शॉर्टकट है, इधर से टिशू। यो गाइस अभी रास्ता बहुत ही ज्यादा है, तो गाइस मैं तो चल रहा हूँ धीरे धीरे, अभी मेरे साथी लोग पीछे ही हैं, इनको अभी बहुत ही खड़ी चढ़ाई लग रही है, और हम पहाड़ी कमांडो है, हमें थोड़ी थोड़ी आदत है चढ़ने की। तो गाइस रास्ते में पहुंच चुके हैं और अभी थोड़ा स्ट्रेट रास्ता आ चुका है, और हमारे दोस्तों की हालत थोड़ी सस्ता हो चुकी है, पर फिर भी अभी हम बहुत चुस्त है। तो गाइस देख सकते हैं अब थोड़ा रास्ता ठीक आ चुका है, पहले बहुत ही खड़ी चढ़ाई थी, अब ओनली आधे घंटे का रास्ता है। हो रहे अब कहाँ से और गाइस यहाँ से कुछ ऐसा व्यू, यहाँ भी बर्फ के पहाड़ है, और यहाँ पे कुछ ऐसा नजारा, मैं आपको व्यू दिखाता पर आगे से दिखाऊंगा गाइस।
फिर और यहाँ लोगों ने मैगी बनाई है। तो गाइस हालत पूरी ठस्ता हो चुकी है और अभी 2-3 मिनट का रास्ता है। मैं आपको कैमरा बैक करके दिखाता हूँ कि हम कहाँ जैसे पहुँचे हैं। तो गाइस यहाँ है, अभी हमें ऊपर जाना है। थोड़ी देर का रास्ता रह चुका है, आप देख सकते हो।